पिछले 3 दिनों से YouTube के मेन सेक्शन में नंबर 1 पर ट्रेंडिंग में जगह 8.5 मिलियन प्लस व्यू और 565 के प्लस लाइक्स। बस इतना ही काफी है उन अपाहिज दिमाग वालों को जवाब देने के लिए जो बोल रहे हैं कि गाना अश्लील है। तेरी लाल चुनरिया गोरी चुरा के मेरा दिल ले गई। जानते हैं ये अश्लीलता के जो ठेकेदार है वो उसी चालाक लोमड़ी की तरह है कि नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं। खैर छोड़िए, इन अपाही सोच वालों पर क्या ही बात करना। अगर पवन सिंह इन लोगों को इनवाइट किए होते तो खूब चमचागिरी करते, पर बुलाया ही नहीं, तो इसलिए कुछ ज्यादा ही इन लोगों की जल रही है, तो जले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक मोहतरमा है मिस बिहार बबीता मिश्रा जी, नौटंकी की दुकान और अपने टीआरपी के लिए कुछ भी करने वाली औरत। ये लगातार वीडियो बना रही है जिसमें पवन सिंह को हर तरीके से डिफेम करने की कोशिश कर रही है। ये तो इतनी बड़ी जज बन बैठी है कि इनको तो ये भी लगने लगा है कि पवन सिंह को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने वाला है और मैं मिलने नहीं दूंगी। अरे इनका मुंह देखने पर ना क्या मैं बताऊँ, एक औरत हो के औरत की बुराई करना अच्छा नहीं लगता, पर ये जिस तरह से आजकल बयान दे रही है हर औरत को, अनुपमा यादव को, सबको ट्रोल कर रही है ना, उसके बाद इनको थप्पड़ मारने का ही मन करता है। सच में ये खुद को एक एंकर बता रही है और एक ही टाइप का न्यूज बना के एक ही व्यक्ति को टारगेट करके ये अपना व्यू बटोर रही है और बोल रही है कि मैं एक लिस्टेड ब्रांड एम्बेसडर हूँ देशवा न्यूज का। ये लगातार वीडियो जो बना रही है उसमें पवन सिंह को हर तरीके से टारगेट कर रही है, डिफेम कर रही है। इनका कहना है कि पवन सिंह सनी लियोनी के साथ काम किए हैं तो गलत है, क्योंकि पवन सिंह उसी टाइप का इंसान है। तो इस मैडम से मेरा ये पूछना है कि जब पवन सिंह सनी लियोनी के साथ काम करके गलत है, जबकि उनका ये प्रोफेशन है, और प्रोफेशन में काम करना कोई गलत नहीं होता है, क्योंकि वो वहाँ पे पर्सनल रिलेशन नहीं जोड़ा जा रहा है सनी लियोनी के साथ। वो डांस कर रहे हैं, वो सनी लियोनी क्या है और कैसे भोजपुरी में आ गई, ये इतना बड़ा इनकी समझ से बाहर है, क्योंकि हर कोई नहीं नचा सकता लाके सनी लियोनी को। अब अगर चलिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा दूँ कि जिस तरह से नम्रता मल्ला का भी तो बायो डाटा आप निकालेंगे तो कोई बहुत अच्छी सीधी सादी घर की लड़की नहीं है, वो भी तो उसी टाइप की है, तो वो भी तो हर कलाकार के साथ काम की है ना, भोजपुरी में डांस की है, तो फिर सनी लियोनी क्यों नहीं कर सकती है। हो सकता है ये बात पे कुछ लोग मुझे भी टारगेट करें, पर ये बात सही है, मेरा उन लोगों से कोई रिश्ता नाता नहीं है, ना मैं उन लोगों की यहाँ पे तारीफ कर रही हूँ, पर एक प्रोफेशन होता है, यहाँ प्रोफेशन की बात हो रही है। और मेरा ये भी कहना है कि अगर चलो मान ही लेते हैं कि पवन सिंह सनी लियोनी के साथ काम करके गलत है जबकि उनका प्रोफेशन है, तो फिर ज्योति सिंह तो त्रिशाकर मधु के साथ काम करके उनसे जुड़ के कैसे सही हुई? आप लोगों ने देखा ही होगा ये पोस्ट कितना वायरल हुआ था, त्रिशाकर मधु को फॉलो भी करने लगी थी ज्योति सिंह, शायद अभी भी करती है। तो ये कैसे सीधी सादी और अच्छी औरत हो गई? क्या ये ऐसा सीधी सादी एक औरत कर सकती है? त्रिशाकर मधु भी तो उसी स्टडी में शामिल है ना मैडम, जिसमें सनी लियोनी आती है। ये कह रही है कि पवन सिंह रो नहीं रहे, आपने वीडियो एक देखा होगा फुटेज जिसमें पवन सिंह रो रहे हैं अपने माँ के रोने के बाद और कहते नजर आ रहे हैं कि मेरी जिंदगी में फैंस ने, जनता ने, भगवान ने सब कुछ दिया है लेकिन एक चीज़ की कमी है। उस बात को ये औरत बोल रही है कि वो नौटंकी कर रहे हैं। अब इनको तो नौटंकी लगेगा ही ना, जो औरत खुद नौटंकीबाज है। आप देखिए इस वीडियो में कैसे जबरदस्ती ये रोने का नाटक कर रही है पवन सिंह की बुराई करते करते, फिर भी करते करते 2-3 मिनट के बाद इसकी आंख में आंसू आए हैं, क्योंकि दिखावे के आंसू कितना आएगा। चलिए ठीक है, जनता बेवकूफ नहीं, आप चाहे कितना भी किसी के ऊपर इल्जाम लगा ले, चाहे वो बबीता हो, अक्षरा हो या फिर कोई और हो, सच्चाई दुनिया सब जानती है। आज तक संभावना सेठ हो, अंजना सिंह हो, पाखी हेगड़े हो, रानी चटर्जी हो, मधु शर्मा हो, अम्रपाली दुबे हो, इन जैसी बड़ी कलाकारों के नज़र में पवन सिंह गलत नहीं है, पर इन गिनी चुनी 1-2 सो कॉल्ड शेरनी कलाकार के इल्ज़ाम लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। जब काम था तो पवन सिंह अच्छे थे, काम खत्म हो गया तो पवन सिंह बुरे हैं, तो कोई बात नहीं, चाहे जितना फड़फड़ाते रहो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जी हाँ, अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी ये सब ट्रेलर था, अभी आगे होता क्या है देखते रहो, क्योंकि पूरा 2024 का जो ईयर है ना, 2023 से भी ज़्यादा दहाड़ने वाला होने वाला है पवन सिंह के लिए। आप लोग इस पर क्या रहे हैं कॉमेंट करें। वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।